दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ द पैशन। आज दिवाली है, आप लोगों को पता ही है, और धनतेरस में हम लोगों ने इस पूरे मार्केट को देखा था, यानी खलीफा बाग चौक से वैरायटी चौक तक। आज भी मैं निकलूँगा, थोड़ी शाम हो जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं दिवाली को। और अभी आप देखिए धनतेरस में कितनी भीड़ थी और दिवाली में कितनी है। चलिए रात में देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। लेकिन फिर से आज खलीफा बाग चौक से वैरायटी तक चलेंगे हम लोग, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों, वादे के मुताबिक हम फिर आ गए हैं और ये खलीफा बाग चौक, और अब हम चलेंगे वैरायटी की तरफ। धनतेरस में मैंने आपको घुमाया था और ये दिवाली। आप सड़क देख सकते हैं कि भीड़ कितनी कम है। तो जो शहर के लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, वो कमेंट में मुझे बताएं कि आखिर क्या वजह है धनतेरस में चलने की जगह नहीं होती है। और ये देखिए दिवाली बिल्कुल सन्नाटी, और ये पिक आवर है, अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं। ये बिल्कुल पिक आवर है। और एक बात और मैं बता दूं, पिछली बार मैं बाईं जानिब से चल रहा था, जो कि सही तरीका है सड़क पे चलने का। और उधर से भी चलना मुश्किल था, और आज मैं दाईं जानिब से चल रहा हूँ। देखिए कितनी आसानी से रास्ता मिल रहा है, गिने चुने लोग। पहले तकरीबन तमाम दुकानदार ये कोशिश किया करते थे कि उनके दुकानों के बाहर भीड़ लगे, और इसके लिए कोई अपनी दुकान के बाहर फिल्म लगा लेता था, कोई जोकर वगैरह बुलवा लेता था। लेकिन अब देखिए, समझना मुश्किल है मेरे लिए, तो शायद आप लोग बेटर समझ पाएं कि आखिर ये इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है। आज भी हम वैरायटी तक जाएंगे, और नस्बतन हम थोड़ा धीमे चल रहे हैं ताकि दो से ढाई मिनट में हम पहुंच जाते अगर हम तेज चल रहे होते। ये बिल्कुल पीक आवर है, करीब 7 बज रहे हैं, और इस वक्त ज़बरदस्त भीड़ होनी चाहिए थी। देख सकते हैं आप सड़कें बिल्कुल सन्नाटी। धनतेरस की तरफ दिन हम लोगों ने देखा था कि सड़क की दोनों जानिब से नो एंट्री थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल आराम से सड़क पे आ रही है, जा रही है। और ये देखिए, ये हम वैरायटी चौक पहुंच गए। धनतेरस के दिन काफ़ी जल्दी जल्दी कोशिश करने के बावजूद भी 5 मिनट से ज़्यादा
वक्त लग गया था हमें यहाँ तक पहुँचने में, और आज काफ़ी इत्मीनान से आने पर भी कि 4 मिनट में हम यहाँ वैरायटी चौक पहुँच चुके हैं। चलिए, ये न्यूज़ द पैशन की छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए।